हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू आयर चैनल टैक्स सपोर्ट आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री लाली बहना योजना के बारे में जिसके अंतर्गत जो तेईस साल से साठ साल के बीच की उम्र की विवाहित महिलाएं हैं उनको एक हज़ार रुपये प्रति माह इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला है तो आपने यदि उसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसके प्रमाण पत्र जो है जारी हो चुके हैं तो आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं किस प्रकार मिलेंगे कहाँ मिलेंगे क्या प्रक्रिया है वो संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाले बैलेंगे को माने तो मत भूले ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो बताते हैं प्रमाण पत्र की संपूर्ण जानकारी तो दोस्तों जो प्रमाण पत्र है वो किस प्रकार देखने वाला है चलिए सबसे पहले वो दिखा देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्र जो है आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री लालू बहना योजना 2023 हज़ार तेईस यहाँ पर लिखा स्वीकृति पत्र लाल बहना योजना पंजीयन क्रमांक अपनी अपना नाम मुखिया पति का नाम निवासी और जिला और यहाँ पर लिखा मुख्यमंत्री लालू बहना योजना 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत आर्थिक स्वावलंबन पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सतत सुधार हेतु राशि रुपये एक हजार प्रतिमागी आर्थिक सहायता उनका उनकी पात्रता विधि तक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है इस प्रकार के जो है आपको पत्र मिलने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपको अभी तक के प्रमाण पत्र नहीं मिला है तो आपको दोस्तों जो है पत्र अपने ग्राम पंचायत या आप नगर हैं तो जो आपका वार्ड के जो प्रभारी हैं या वार्ड ऑफिस है वहाँ पर आपको जो है ये मिलने वाला है तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा तो आपको ग्राम पंचायत या वार्ड में आठ जून को जो है एक जो है सभा लगने वाली है आप बोलें तो सभा होने वाली जो स, आ, आपकी जो भी समस्या उनकी सुनवाई होगी तो आपको पूरी प्रमाण पत्र या स्वीकृति पत्र वहीं पे मिलने वाला है तो आप वहां से जाएं और वहां से प्राप्त कर सकते हैं तो आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप अगर आपको एक रुपये प्राप्त हो चुका है जैसे कि आपको पता है कि एक रुपये जो है सभी बहनों को प्राप्त हो चुका है तो अभी तक आपको एक रुपये प्राप्त नहीं हुआ है तो आप जाके देखें कि एक रुपये प्राप्त किस प्रकार कर सकते हैं मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखित हो चुका है तो वो किस प्रकार चेक कर सकते हैं वो भी मैंने अलग से बता रखा है तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरू कर लीजिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय